Hey guys, how are you all? I hope you guys all are well. I am Assistant Professor Mona, and today I am going to discuss the critical analysis of Pride and Prejudice, a novel written by Jane Austen. So Pride and Prejudice, Jane Austen ने लिखा था 1813 में, and यहाँ पर इस नोवेल को हम लोग एक सटायर भी कंसीडर करते हैं, जो और हम लोग अपनी सोसाइटी को मैरिज सोसाइटी भी यहाँ पर कहते हैं इस नोवेल में। सो क्यों यहाँ पर हमारी सोसाइटी को मैरिज सोसाइटी कहा जा रहा है, यहाँ पे मैरिज मार्केट इसको कहा जा रहा है, और हम लोग इन सारी चीज़ों को यहाँ पर डीपली एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये है हमारा क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडाइस। तो बिफोर वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। बट बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज दैट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफाइड व्हेन द वीडियो अपलोडेड। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ओपनिंग लाइन ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडाइस। तो ओपनिंग लाइन है हमारी, इट इज अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोजीशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। तो यहाँ पर हमारी जो स्टार्टिंग लाइन है वो भी हमको यहाँ पर बहुत कुछ इंडिकेट करती है कि यहाँ पर हम लोग क्या कहने वाले हैं। आपका एक पूरी तरीके से ये नोवेल जो है एक तरीके से जो मैरिज जो होती है उन पर फोकस करने वाला है, और मैरिज के लिए उस टाइम पर 1830 जो हमारी जो 19th सेंचुरी जो चल रही थी उस टाइम पर मैरिज के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होती थी, क्या रिक्वायरमेंट्स होती थी, वुमेन्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती थी या मेन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती थी, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस टाइम पर सोसाइटी को जो है एक मैरिज सोसाइटी कंसीडर किया गया, बिकॉज सोसाइटी का स्ट्रक्चर उस टाइम से था, इस टाइप से डिजाइन किया गया था कि सोसाइटी जो है हमारी पूरी तरीके से मैरिज पर फोकस हो गई थी, एंड वुमेन्स जो है वो भी अपना मैरिज को एक टर्निंग पॉइंट मानती थी, और यहाँ पर वो ये एंश्योर करती थी कि हम लोग यहाँ हम अपनी मैरिज से अपने जो है आगे जो फ्यूचर जो है उसकी हम वेल्थ को जो है यहाँ पर पूरी तरीके से वेरीफाई कर पाए, बिकॉज मैरिज को बहुत ज्यादा बड़ा चीज कंसीडर की जाती थी। तो ये हमारी ओपनिंग लाइन्स है, ओपनिंग लाइन्स आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। इट इज अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नोलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इज पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी वॉन्ट ऑफ अ वाइफ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं गाइस। सबसे पहले जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर बेनेट फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे जो है लीड कैरेक्टर जो है वो एलिजाबेथ बेनेट रहती है, जेन बेनेट जो कि उनकी एल्डर सिस्टर है, लीडिया बेनेट है यहाँ पर। एक्चुअली इनकी जो मिस्टर एंड मिसेस बेनेट जो है ना इनकी 5 डॉटर्स रहती हैं, इनके नाम हम लोग आगे कंसिडर करेंगे। और मिस्टर डार्सी जो है इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मिस्टर कॉलिंस एंड मिस्टर जैकम जो कि ये सारे हम लोगों ने लीड कैरेक्टर दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये हमारे हैं नॉवल के। चलिए तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर हमारा नोवेल क्या कहता है। तो इस अगर हम नोवेल की बात करते हैं तो जैसे कि हमने बताया कि ये फोकस करता है मेनली आपका एलिजाबेथ और हमारे मिस्टर डार्सी पर। तो यहाँ पर ये जो नोवेल है हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, एक क्रिटिकल सटायर बोल रहे हैं, और अपनी सोसाइटी को मैरिज सोसाइटी जो है हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस नोवेल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर प्राइड एंड प्रेजुडाइस को जो है एक तरीके से पूरी तरह से फोकस किया गया है। मिस्टर डार्सी और एलिजाबेथ बेनेट जो है रहती है उनकी जो मैरिज है उन पर फोकस किया, उस पर फोकस किया गया है। हम लोग यहाँ पर जब अपनी स्टोरी चलती है तब हम उसमें देखते हैं कि एक तरीके से एलिजाबेथ बेनेट को फर्स्ट इंस्टेंस में क्या करते हैं, मिस्टर डार्सी जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज वो वहाँ पर उनको उतना ब्यूटीफुल नहीं मानते हैं, उतना ब्यूटीफुल कंसिडर नहीं करते जितने की उनकी मैरिज के लिए उनको रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर ये एक सटायर निकल के आया हमारे यहाँ पे कि वुमेन्स के लिए एक जो ब्यूटीफुल होना, जो प्रिटी होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था एक मतलब अगर अपने वुड बी हस्बैंड की नज़रों में, कि अगर वो उनके लिए मैरिज के लिए कंसिडर अगर कर रहे हैं तो वो उतना जितना ब्यूटीफुल वो चाहते हो उतना ब्यूटीफुल उनके लिए होना ज़रूरी होता था। तो एक तरीके से ये जो है एक सटायर निकल के आया यहाँ पर कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर इस टाइप से डिज़ाइन है कि वुमेन्स को ब्यूटीफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ मैरिज के लिए। और उनकी मतलब उनकी जो अदर क्वालिटीज जो रहती है कि अदर क्वालिटीज बहुत सारे टैलेंट जो होते हैं कि सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, या अदर कोई भी टैलेंट जो है वो उनको उतना कंसिडर नहीं किया जाता था, उनको उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी जितनी की एक वुमेन की प्रिटीनेस को, ब्यूटीफुल फेस को जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मिस्टर डार्सी जब एलिजाबेथ बेनेट को रिजेक्ट करते हैं उनके साथ डांस करने के लिए,
वो उनको उतना ब्यूटीफुल नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर एक सटायर निकल के आया, ठीक है, ये विमेंस के लिए मतलब एक अच्छी चीज नहीं थी, क्यों? बिकॉज उनको सिर्फ उनकी एक ब्यूटी की वजह से अगर उनको कंसिडर किया जाए कहीं पर भी, तो ये एक सटायर हमारा निकल के आया। बिकॉज वहां पर क्या, और दूसरी चीज हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं इस नोवेल में कि मिस्टर एंड मिसेस बेनेट जो रहते हैं वो क्या करते हैं, बॉल पार्टी को अरेंज करते हैं, एंड अपने जो एल्डर डॉटर जैन बेनेट जो रहती है उनके लिए वो क्या कर रहा है, मिस्टर कॉलिंस के को मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो जैन बैनेट को क्या करें, वो उनको लाइक करें और उनसे शादी करें। तो ये एक दूसरी चीज यहाँ पर निकल के आई कि मतलब एक बॉल पार्टी का अरेंजमेंट किया जा रहा है, मतलब एक मैरिज को अरेंज करने के लिए कि किसी तरीके से शादी हो जाए। मतलब टोटल फोकस दिखाया गया है मिस्टर एंड मिसेस बैनेट का कि शादी है किसी तरीके से वो कर सके अपनी बेटियों की। और यहाँ पर दूसरी एक चीज, यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने ओपनिंग लाइन्स में भी देखा कि वेल्थ को एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट कंसीडर किया गया है शादी के लिए। तो मिस्टर कॉलिंस को ये क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो जेन बेनेट से शादी करें, बिकॉज वो यहाँ पर एक वेल्दी बिजनेसमैन जो है उनको दिखाया गया है, वेल्दी पीपल वेल्दी पर्सन की वो कैटेगरी में आते हैं। तो वेल्दी वेल्दीनेस जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है मैरिज के लिए। तो मैरिज की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, एक पर्सन के लिए, एक मेल के लिए क्या होता है, होना चाहिए उनको वहां पर वेल्दी होना चाहिए, एंड फीमेल को क्या होना चाहिए वहां पर, उनको प्रिटी होना चाहिए, उनको ब्यूटीफुल होना चाहिए। और दूसरी चीज, ये फोकस पूरा किस पर कर रहे हैं, मैरिज पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इतनी चीजें मतलब पूरा जो नोवेल जो एक तरीके से लिखा गया है वो किस तरीके से लिखा गया है कि पूरे तरीके से मैरिज पर फोकस करके लिखा गया है। सोसाइटी का स्ट्रक्चर पूरा मैरिज के लिए दिखाया गया है, मैरिज की रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, मैरिज के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। और इसीलिए बहुत सारे क्रिटिक्स जो होते हैं वो इस नोवेल को कंसिडर करते हैं यहाँ पर, कैसा एक मैरिज नोवेल जो है वो यहाँ पर इसको कंसिडर करते हैं। तो मैरिज जो है वो इस नोवेल की एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम निकल कर आती है, ठीक है। दूसरी थीम यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो लव जो है वो एक इम्पोर्टेंट थीम निकल कर आया। लव जो है फैमिली मेंबर्स के बीच में एक इम्पोर्टेंट बॉन्ड का काम करता है। एंड यहाँ पर दूसरी लव स्टोरी जो चलती है वो मिस्टर डार्सी और एलिजाबेथ बेनेट जो रहती है उनके बीच लव निकल कर आया, बिकॉज सोसाइटी जो है वो फोर्स कर रही है एलिजाबेथ बेनेट को कि आप किसी तरीके से शादी करो एक वेल्दी पर्सन ढूंढ कर। बट एलिजाबेथ जो है वो वेल्दनेस को उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट कंसिडर नहीं कर रही है शादी के लिए, इनफैक्ट वो कंसिडर कर रही है कि लव को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, लव को मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिडर कर रही है शादी के लिए। एंड वो यहाँ पर सोसाइटी को क्या मानती है, अपना एक ऑब्स्टिकल मानती है कि उनका जो ट्रू लव जो फाइंड वो करने की कोशिश कर रही है उसमें वो सोसाइटी को अपना एक ऑब्स्टिकल मान रही है। दूसरा यहाँ पर लव बॉन्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो लव बॉन्ड जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है जब लीडिया जो है वो भागकर जैकिन के साथ शादी कर देती है। तो वहां पर लीडिया के लिए जो है सभी लोग बहुत ज्यादा वरिड हो जाते हैं और मिस्टर डार्सी भी एलिजाबेथ बेनेट की बहुत हेल्प करते हैं कि किसी तरीके से वो लीडिया को ढूंढ पाए और उसको सेटल कर पाए अच्छी तरीके से। बिकॉज लीडिया जब भागकर शादी करी जैकिन के साथ में, तो जैकिन का कैरेक्टर जो है वो उतना अच्छा कंसिडर नहीं किया गया है। एंड यहाँ पर क्या होता है कि भागकर शादी करना उस टाइम पर भी बहुत अच्छी चीज नहीं माना जाता था। तो यहाँ पर एक तरीके से मतलब वो पूरी बात निकल के आ गई कि अगर लीडिया को जैकिन ने प्रॉपरली अपनी वाइफ तो नहीं बनाया तो फिर क्या होगा, लीडिया के साथ क्या हो सकता है या उसका सोसाइटी में क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर निकल कर आती है। तो पूरी तरीके से एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर किस टाइप से है और किस टाइप से सोसाइटी का स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ है मैरिज के एलिमेंट्स को लेकर या मैरिज के रिक्वायरमेंट्स को लेकर, ये सारी चीजें इस नोवेल में दिखाई गई है। यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम मिस्टर बेनेट की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हम लोगों ने सारे जो आपके इवेंट्स हैं उनको हम लोगों ने कंसिडर किया कि किस तरीके से वो हॉल पार्टी को अरेंज करते हैं, अपनी डॉटर्स के लिए हस्बैंड फाइंड कर रहे हैं और उनकी बेनेट फैमिली की जो नेबर रह रही है वो भी अपने मतलब अपनी बेटी के लिए एक अच्छा हस्बैंड जो है वो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक वेल्डनेस को वो लोग इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है मैरिज के लिए कंसिडर करते हैं। तो एक वेल्डनेस हो गया, मैरिज हो गया या लव जो हो गया, ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट यहाँ पर कंसिडर किए गए हैं। और इसीलिए इस नोवेल को मैरिज सोसाइटी जो है एक सटायर जो है वो कंसिडर किया गया है हमारा सोसाइटी पर, या सोसाइटी को जो है वो मैरिज सोसाइटी कंसीडर किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इफ यू वांट टेक द स्क्रीनशॉट। आई होप आप लोगों को ये जो चीजें हैं ये समझ में आ रही होंगी, बिकॉज हम लोग यहाँ पर प्राइड एंड प्रेजुडाइस की नॉर्मल स्टोरी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बिकॉज इनफैक्ट हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग
क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, उसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि किस थीम को लेकर नॉवल लिखा गया है और यहाँ पर कौन सी चीजें जो है, कौन से एलिमेंट्स को लेकर नॉवल लिखा गया है। नॉर्मल स्टोरी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते थे बट वो उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होती। अगर आप किसी चीज नॉवल को क्रिटिकली एनालाइज करते हो तो ये ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको होते हैं एग्जाम्स में। तो थीम्स को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो थीम को आप यहाँ पर याद रख सकते हैं एंड ये नॉवल क्यों लिखा गया है, उसको लिखने का पर्पज क्या था, ये यहाँ पर हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है। तो पर्पस की अगर हम बात करें तो पर्पस और कुछ नहीं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, तो यहाँ पर ये 19th सेंचुरी की सोसाइटी को दिखाने की कोशिश की है जेन एस्टन ने अपने नॉवेल के थ्रू कि किस टाइप से उस समय मैरिज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट कंसीडर किया जाता था एक मैन एंड वुमेन की लाइफ का, एंड वुमेन के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती थी एंड मैन के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती थी और सोसाइटी का स्ट्रक्चर किस टाइप से डिजाइन किया गया था एक मैरिज को लेकर, ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस की हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, प्राइड एंड प्रेजुडाइस अ क्रिटिकल एनालिसिस बाय असिस्टेंट प्रोफेसर मोना एंड रिटन बाय जेन ऑस्टन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू यूजीसी नेट एग्जाम, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज आप चैनल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। So I will catch you tomorrow with another video lecture. Till then, keep watching, keep learning. Bye bye.